यहाँ पे एक थोड़ा खतरनाक सा इक्वेशन दे दिया गया है। हमें कहा गया है कि y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x, रूट ऑफ x, रूट ऑफ x, रूट ऑफ x, ऐसे करते 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 n टाइम्स यहाँ पे ऐसा वैल्यू दिया हुआ है। और हमसे कहा गया है कि अब इसकी वैल्यू पता करने के लिए कि बेसिकली ये y की वैल्यू क्या होगी वो हमें पता करना है। तो सबसे पहले मैं तो चाहूँगा कि आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज करें और उसे खुद से एक बार सोचने की कोशिश करें। अब मैं क्या अप्रोच लगा सकता हूँ इसमें? एक्चुअली में देखा जाए तो रूट्स मुझे अच्छे नहीं लगते, कहीं भी रूट्स होता है तो हम कोशिश करते हैं कि रूट्स को हटाने का, लेकिन यहाँ तो हमारे पास टोटल n टाइम्स रूट हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, एक एक करके रूट हटाते हैं, क्या पता शायद हमें कोई पैटर्न मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, इस साइड भी स्क्वायर कर देते हैं और इस साइड भी स्क्वायर कर देते हैं, सबसे पूरा ऊपर वाला, देखते हैं क्या मिलता है। तो जब हमने पहली बार स्क्वायर किया इसको, फर्स्ट टाइम्स जब स्क्वायर किया हमने, तो हमें मिला y square इज इक्वल टू, ये रूट हट जाएगा पूरा तो यहाँ पे सिर्फ x बच जाएगा और बाकी सारे रूट तो यहाँ पे आ ही जाएंगे, ये x, ये फिर उसके अंदर रूट एक्स, ऐसे ये चलते जाएगा n टाइम्स। तो हमने एक बार स्क्वायर किया तो हमने एक रूट को हटा लिया। चलिए हम एक और बार स्क्वायर करते हैं, मतलब क्या कि दोनों साइड फिर से ही स्क्वायर कर देते हैं, ये कुछ स्क्वायर और ये इधर भी कुछ हम स्क्वायर कर देते हैं। तो अब हम सेकेंड टाइम स्क्वायर करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा वाई की पावर 4 इक्वल्स टू इस वाले x का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये ऊपर वाला रूट, ये जो यहाँ पे ये ऊपर वाला रूट है ये हट जाएगा तो ये हमारे पास सिर्फ x बच जाएगा और बाकी सारे रूट्स तो ज्यों के त्यों आ जाएंगे, रूट ऑफ x, ऐसे ये n टाइम्स चलते जाएगा। ये तो था हमारा सेकेंड स्क्वायर करने पे। चलिए थोड़ा हम एक काम करते हैं, एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं और अब थर्ड स्क्वायर करते हैं, तीसरी बार हम लोग स्क्वायर करते हैं, इसको देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो इधर मैं स्क्वायर कर दूंगा, इधर भी इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा वाई की पावर 8। थोड़ा कुछ तो रिलेशन दिख रहा है, जब मैंने थर्ड स्क्वायर लिया तो यहाँ पे पावर 8 आ गया। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4, यहाँ पे ये एक्स है इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला रूट यहाँ से, ये रूट यहाँ से हट जाएगा तो हमारे पास सिर्फ ये वाला एक्स आ जाएगा और फिर बाकी सारे जो कहते हो आ जाएंगे, x रूट ऑफ x, ऐसे n टाइम्स। ठीक है, शायद मुझे कुछ पैटर्न दिख रहा है लेकिन अभी मैं श्योर नहीं हूं। चलिए काम करते हैं, एक और आखिरी बार यहाँ पे हम स्क्वायर ले लेते हैं, हम दूसरा कलर कोई ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए हम यहाँ पे चौथी बार, फोर्थ टाइम स्क्वायर करते हैं दोनों साइड। तो यहाँ मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा और इसका यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा तो मुझे मिल जाएगा y की पावर 16 इज इक्वल टू x टू द पावर 4 का स्क्वायर हो जाएगा x की पावर 8, x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा x की पावर 4, ये वाला x का हो जाएगा स्क्वायर और ये वाला यहाँ से ये रूट हट जाएगा तो हमारे पास ये वाला x आ जाएगा और बाकी तो ज्यों का त्यों आ ही जाएंगे, x रूट ऑफ x, ऐसे n टाइम्स। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हमने गड़बड़ी ये की है कि क्या यहाँ पे हर बार n टाइम्स ही होंगे? जब हमारा शुरू में ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था तब यहाँ पे टोटल n टाइम्स थे, लेकिन जब हमने यहाँ से पहला रूट हटा दिया तब हमारे पास टोटल रूट्स तो n-1 ही बचे ना, तो इसकी जगह मेरे ख्याल से n नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह, ये सब हम यहाँ से हटा देते हैं, आई थिंक हमें गड़बड़ी पता चल गई कि क्या गड़बड़ी हुई थी, इसकी जगह यहाँ पे हो जाएगा n-1 टाइम्स, क्योंकि रूट तो n-1 टाइम्स ही बचा है, एक रूट तो हम तो यहाँ से हटा चुके हैं, वैसे यहाँ से हम दो रूट हटा चुके हैं तो यहाँ पे हो जाएगा n-2 टाइम्स, फिर एक रूट और हमने हटा दिया तो यहाँ पे हमारे पास हो गया n-3 टाइम्स और यहाँ हमने एक और रूट हटा दिया तो ये हो गया n-4 टाइम्स। अब चलिए यहाँ हम कुछ पैटर्न देखते हैं, जैसे कि ये है y की पावर 16। अब इस 16 में और यहाँ पे हमने फोर्थ टाइम स्क्वायर लिया था, कुछ रिलेशन है क्या?
तो आई थिंक थोड़ा सा तो रिलेशन है यहाँ पे, और वो रिलेशन ये है कि ये जो 16 है एक्चुअली में ये 16 क्या है, ये है 2 की पावर 4, जितना बार हमने स्क्वायर किया ये 2 की पावर वो है, यानी कि ये है y की पावर 2 की पावर 4 के बराबर। वैसे यहाँ पे था 8, तो ये एक्चुअली में क्या था, यहाँ पे हमने थर्ड टाइम स्क्वायर लिया था, तो ये था y की पावर 2 की पावर 3। वैसे यहाँ पे था y की पावर 4 जब हमने सेकेंड टाइम स्क्वायर लिया था, तो ये है y की पावर 2 की पावर 2। तो ये तो एक पैटर्न दिख रहा है कि जितना वह स्क्वायर हम लेते जा रहे हैं 2 की पावर उतना यहाँ पे चढ़ते जाएगा y के वैल्यू में। अब बात करते हैं x की पावर्स की, इक्वल टू अब यहाँ पे है x की पावर 8, 8 होता है 2 की पावर 3, लेकिन यहाँ पे हमने फोर्थ पावर लिया है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस वाले x को मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 2 की पावर 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 होता है 3, 2 की पावर 3 8 हो गया। ये वाला x की अगर हम बात करें, इस वाले x की, तो ये हो जाएगा इनटू x की पावर 2 की पावर 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 हो गया 2, 2 की पावर 2 मेरा 4 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं इस वाले x की बात करूं, तो ये है इनटू x की पावर 2 की पावर 4 माइनस 3, 4 होता है, 4 माइनस 3 हो जाएगा 1, 2 की पावर 1 यानी 2x स्क्वायर, चलिए ये भी सही है। और फाइनली अगर मैं इस वाले x की बात करूं, तो ये है मेरा x की पावर 2 की पावर 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 हो गया 0, 2 की पावर 0 1, तो ये x हो गया। और बाकी तो यहाँ पे ये वाले चीज़ें तो यहाँ पे आ ही रही हैं, तो इसको हम ऐसे से लिख देते हैं x रूट x कितनी बार n माइनस 4 टाइम्स। तो आई थिंक इस फोर्थ वाले स्टेप ने हमको बहुत अच्छी रिलेशन दे दी। अब अगर हम सेम लॉजिक nth स्टेप के लिए एक्सटेंड कर दें, nth स्टेप के लिए एक्सटेंड करें, यानी कि मान लीजिए जब हम nth टाइम जब हम स्क्वायर ले रहे हैं तब हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। तो ये y जो है यहाँ पे, ये हो जाएगा y की पावर 2 की पावर n, क्योंकि ये 2 की पावर 4 था फोर्थ स्क्वायर में, 2 की पावर 3 था थर्ड स्क्वायर में, तो nth स्क्वायर में ये 2 की पावर n होगा, इक्वल टू अब ये यहाँ से ऐसे शुरू हो रहा है, x की पावर 2 की पावर 4 माइनस 1, x की पावर 2 की पावर 4 माइनस 2, x की पावर 2 की पावर 4 माइनस 3, तो nth स्क्वायर के लिए ये हो जाएगा x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 इंटू x की पावर 2 की पावर n माइनस 2 इंटू x की पावर 2 की पावर n माइनस 3, और ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक, x की पावर 2 की पावर n माइनस n तक, और हमारा लास्ट जो ये वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2 की पावर n माइनस n यानी 0, 2 की पावर 0 1, x की पावर 1 यानी कि x आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ एक्चुअली देखा था कि हमारा x आया था और बाकी तो हमारे रूट थे, तो उन सारे रूट्स को हटाने के लिए हम इसको nth स्क्वायर तक लेके जाते हैं। तो nth स्क्वायर को जनरलाइज करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब चलिए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं, जैसे कि ये हो जाएगा मेरा y की पावर 2 की पावर n इक्वल्स टू, अब यहाँ सारे बेस सेम है तब हम इनके पावर ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 2 प्लस 2 की पावर n माइनस 3, ऐसे करते करते 2 की पावर n माइनस n तक ये जाएगा। फिर इसमें हम क्या करेंगे, 2 की पावर n कॉमन निकाल देते हैं x की पावर में से, तो 2 की पावर n कॉमन आ गया, हमारे पास बच गया 2 की पावर माइनस 1 प्लस 2 की पावर माइनस 2 प्लस 2 की पावर माइनस 3, ऐसे ऐसे कहाँ तक, 2 की पावर माइनस n तक। अब ये तो हमारी एक जीपी हो गई, ये तो एक जीपी हो गई है, और मुझे पता है कि जीपी के एन टर्म्स का सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है, a इंटू 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r के बराबर, क्योंकि यहाँ पे जो r है इसका वो लेस देन 1 है। तो चलिए अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, a है हमारा 2 की पावर माइनस 1, 1 माइनस r हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर माइनस 1, r निकालना आसान है, अब कोई भी टर्म लीजिए उसके पहले वाले टर्म से उसको डिवाइड कर दीजिए तो आपका r आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 2 की पावर माइनस 3 को 2 की पावर माइनस 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 2 की पावर माइनस 1 आ गया। इस पूरे की पावर n, क्योंकि टोटल n टर्म्स है,
डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर यानी 2 की पावर माइनस 1। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस 1 यानी कि 1 बाई 2, 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाई 2 यानी कि 1 बाई 2। अब ये 1 बाई 2 और ये 1 बाई 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये सब अभी x की पावर में ही चल रहा है। तो अब फाइनली देखते हैं हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास था y की पावर 2 की पावर n, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, y की पावर 2 की पावर n इक्वल टू x की पावर 2 की पावर n टाइम्स इस पूरे gp की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n के बराबर। अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड 1 अपॉन 2 की पावर nth रूट ले लेंगे, यानी कि इस साइड भी इस साइड में 1 अपॉन 2 की पावर nth रूट ले लूंगा और इस साइड भी मैं 1 अपॉन 2 की पावर nth रूट ले लूंगा। इससे क्या होगा, ये और ये कैंसिल आउट हो गए, ये और ये कैंसिल आउट हो गए, तो हमें y की वैल्यू अब मिल जाएगी। तो यहां से मेरा y आ जाएगा x की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n के बराबर, यानी कि y जो है इक्वल टू होगा x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n के। ये हमारे यहां से उस दिए हुए एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई।